तो मैं कह रहा हूं पार्टी की, देखिए अगर आप संतुष्ट है पार्टी जैसी चल रही है तो प्लीज खड़गे साहब को ही वोट दीजिए। अगर आप बदलाव चाहते हैं, अगर जो कुछ मैंने कहा और आपको पता है मैंने ये मैनिफेस्टो पत्रिका निकाली है कल, अगर ये सब देख के आप चाहते हैं कि पार्टी एक अलग तरीके से चले, मैं आपके साथ हूं। डरना है हमारे आइडियोलॉजी को, जो हमारे आइडियोलॉजी के खिलाफ जो है काम कर रहे हैं उनसे डरना है, तो हम दोनों मिलकर उनसे लड़ेंगे, हम एक ही घर के लोग हैं, घर अच्छा रख लेंगे। अलग अलग परिकल्पना हो सकते हैं पार्टी के बारे में कि हम वोटर्स के सामने रखें, पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनने दीजिए, बस यही है हमारा संदेश। तो मैं कह रहा हूं पार्टी की, देखिए अगर आप संतुष्ट है पार्टी जैसी चल रही है तो प्लीज खड़गे साहब को ही वोट दीजिए। अगर आप बदलाव चाहते हैं, अगर जो कुछ मैंने कहा और आपको पता है मैंने ये मैनिफेस्टो पत्रिका निकाली है कल, अगर ये सब देख के आप चाहते हैं कि पार्टी एक अलग तरीके से चले, मैं आपके साथ हूं। लेकिन ना आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, खड़गे साहब और मैं दोनों एक साथ काम किए हैं लोकसभा में, पिछले लोकसभा में, और मुझे लग रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी का संदेश है जनता के सामने उसमें तो कोई बदलाव नहीं होने वाला है। हम सिर्फ इसको सख्त बना के, मजबूत बना के बार बार कहते रहेंगे, लेकिन हमारे काम के तरीके, कार्यकर्ताओं के जो बंधन है उनके नेताओं के साथ, जो सारे निश्चय दिल्ली में हो रहा है आजकल, उसको जरा सा नीचे करके शक्तिकरण हमारे ग्रास रूट्स पे, हमारे मंडल, हमारे ब्लॉक, हमारे जिला, हमारे राज्यों में, उस लेवल्स पे अगर आप अधिकार दे दें तो मेरे ख्याल में पार्टी के लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो प्लीज खड़गे साहब को ही वोट दीजिए। उसको भी रोकना है आपको, और अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा है, एक तरफ इन्फ्लेशन तो बढ़ते ही जा रहा है, एसेंशियल कमोडिटीज के जो जितने भी वस्तु है वो सब बढ़ रहे हैं, उसके कीमतें, तो हमको दोनों को मिलके लड़ना है। हम दोनों एक ही घर के लोग हैं, जब एक ही घर के लोग हैं, एक दूसरे के खिलाफ कौन लड़ने का सवाल नहीं है। हम दोनों मिलके उनके खिलाफ खड़े हैं जो इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों में झगड़ा लगा रहे हैं, धर्म धर्म में झगड़ा लगा रहे हैं, भाषा के नाम से झगड़ा लगा रहे हैं, इनके खिलाफ हम दोनों को लड़ना है। अगर डिबेट करना है हम दोनों मिलके उन दोनों के खिलाफ करो, उन दोनों के विचारधारा के खिलाफ, आरएसएस और बीजेपी, उनके खिलाफ हम दोनों लड़ेंगे आपस में। मैं डिबेट करूंगा, तुम भी डिबेट, इससे कोई फायदा नहीं, ना देश का फायदा है इसमें, ना पार्टी के लिए कुछ। लड़ना है हमारे आइडियोलॉजी को, जो हमारे आइडियोलॉजी के खिलाफ जो है काम कर रहे हैं उनसे लड़ना है। डिबेट में हराना है शाह को हराओ, डिबेट में हराना है मोदी जी को हराओ, और जो लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं, समाज को बर्बाद कर रहे हैं और युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए हम दोनों को मिलकर काम करना है, क्योंकि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, इसके लिए हम सब लोग एक होकर लड़ना ही चाहिए।